इधर देखिए सिग्नल 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 दे द में नास कर कर है मै मिल गई हो

की तारा की बर्थडे सेलिब्रेशन की आपकी सूत्रधार रहूंगी तो आप में से किसी के ज़हन में आ रहा है तारा कौन है आपको पता है एनी आपको जब इनफैक्ट बच्चे एक या दो दिन के होते हैं हम तभी से ये बोलने लग जाते हैं अरे नहीं नहीं ये देखो ये तो अपनी मम्मी की तरह दिख रही है अरे नहीं नहीं ये देखो अपनी डैडी की कार्बन कॉपी है जैसे जैसे बड़े होते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी क्वालिटीज भी उनमें आए हमारी जो सारी ड्रीम्स जो सब अधूरी रह गई हैं वो पूरा करें तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको एक एग्जाम्पल देती हूं मेरे खुद का इट इज माई एग्जाम्पल मेरी मम्मी पैदा हुए हैं जालना के एक बहुत ही छोटे से गांव में पर छोटे से गांव से होने के बावजूद जहां आपको करीबन चार से पाँच किलोमीटर जाना होता सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करने के लिए उन्हें रंगमंच बहुत पसंद था उन्हें डांस करना उन्हें नाटक में अपने आप को लीड रोल में देखना बहुत पसंद था थोड़ी बड़ी हुई कॉलेज जब गई तब ये सब औरंगाबाद में पूरा हुआ थोड़ी सी और बड़ी हुई शादी हो गई शादी के कुछ सालों बाद मैं पैदा हुई एंड जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मम्मा एक्चुअली मेड श्योर कि मैंने हर स्कूल के नाटक में हर डांस परफॉर्मेंस में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो लेडीज एंड जानमिन आज हम आपको ऐसे ही दो माओ से मिलाने वाले हैं टू वेरी डिफरेंट मदर्स बिलोंगिंग टू वेरी डायवर्स बैकग्राउंड पर उन दोनों में एक चीज कॉमन है वो ये है कि उन्हें अपनी बेटियों में दूर दूर तक खुद की परछाई नहीं दिखाई देती लेडीज एनज तो चलिए मिलते हैं तारा से तारा की मम्मी से तारा के बर्थडे सेलिब्रेशन में वी ऑल सेट एंडरी शुरू करें लेट्स गो

अगर मेरी चीज मेरी नहीं रही तो किसी को नहीं मिलेगी तारा सात साल बाद मुझे खुशी मिली है तारा मेरी बेटी जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी उसने जो मांगा उससे कई ज्यादा ला कर दिया फिर क्यों है तारा ऐसी कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई? अनजान है वो मां कि बेटी किसी और के कोख से आई है देखा तारा कैसी है गुब्बारा अपने पास नहीं तो दूजे के पास भी ना रहने दिया ऐसी होनी चाहिए छोरी छोरी जैसी तेज और करारी थारे जैसी ना नाजुक सी छुई मुई सी हाय तेरा तो दिल भी बड़ा नाजुक है अब ध्यान से सुन यो हार है ना यो चुराना है ये लुगाई जैसी उधर देखेगी ना चुरा लेना हाँ

मैंने तो आज तक यो समझ नहीं आई बात कि मैंने जड़ा है इसे अनजान है ये मां कि बेटी किसी और के कोख से आई है जैसे आपने अभी अभी देखा कि दोनों मोम चाहे वो अमृता हो चाहे वो गौरी समझ ही नहीं पा रही है कि क्यों उन दोनों की बेटियां उनसे इतनी अलग है पर मुझे लगता है इसका जवाब हम सबको मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर करना होगा ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट तक जहां संजो आ रहा है रात दस बजे हर मंडे टू फ्राइडे जी पर वह लेडीज एंड जेंटलमैन जहां हमारे साथ इतनी प्यारी दो एक्ट्रेसेस हैं अब ये शो इज बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान जोधपुर और हमारे साथ राजस्थानी डांसर्स हैं So if you allow me, can I please call the dancers and can we please. do a step or two together? <laughs> yeah. yeah? Shall we? Yes. Come on, come on. <laughs> <laughs> सोचा मैं शुरुआत करती हूं वी लव इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर्स टू द मीडिया आपका कैरेक्टर क्या डिफाइन करता है वो कैरेक्टर की क्या स्टोरी आने वाली है आई एम वेरी श्योर वी हैव एक्सलेंट एक्टर्स ऑन स्टेज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम संजोग सो स्टार्टिंग विद यूज करो <की>, <laughs> <हना>? <laughs> नहीं, नहीं, नहीं गौरी अमृता <laughs> कौन पहले आई थिंक अमृता यू प्लेंग अमृता इज प्लेंग माई वाइफ शेफाली इज प्लेंग माई वाइफ मैं राजीव प्ले कर रहा हूँ सो मैं चाहूँगा कि अमृता पहले कुछ बोले अपने बारे में हाई एवरी वन आई एम प्लेइंग अमृता कोठारी तो अमृता इज वेरी स्वीट बहुत कल्चर से जुड़ी हुई है और बहुत प्यार करने वाली एक लेडी है जो दिल से आर्टिस्ट है और प्रोफेशनल से डिज़ाइनर है तो अमृता जो है वो पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलने वाली औरत है और एक बच्चे के लिए जो वेट कर रही है तो आई थिंक सो अब तो वो भी कंप्लीट हो गया है तो उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और होपफुली आपको एक अच्छी पूरी कंप्लीट फैमिली देखने को मिलेगी <laughs> uh, मैं बोलूँ आप मुझे आप पहले आप पहले आप, आप में मतलब हाँ uh, निकल जाएगा यस सो नमस्ते मेरा नाम है काम्या पंजाबी और uh, मैं गौरी का किरदार निभा रही हूँ इस नए शो में जिसका नाम है संजोग गौरी uh, एक uh, बिंदास uh, धाकड़ और uh, uh, सपने सपने देखने वाली औरत है जिसे अपने सपने पूरे करने की ज़िद है जिसे अपने सपने पूरा uh, करने का एक पैशन है सो so, गौरी का एक छोटा सा परिवार है पति है सास है दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट है, है आ, घर वालों से बहुत प्यार करती है लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो अपने सपनों से करती है बाय द वे पति आपका पति <laughs> नहीं आया क्या स्टार जैसा बिहेव कर रहा है हैं है, है, है वो? शिकार पे गए हाँ, सो आई एम प्लेइंग रजनीश दुग्गल मतलब आई एम प्लेइंग राजीव अमृता का एक हजबेंड एक एक हस्बैंड हाँ एक ही है अभी तक एक है आगे कुछ भी हो सकता है एंड ये बहुत ही शांत स्वभाव का है ये अमृता के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी जान तक दे सकता है एंड देव बीन ट्राइंग टू हैव अ किड पिछले सात सालों से और फिर कुछ इनके लाइफ में ऐसा होता है जो जो आपको देख के पता चलेगा बहुत कुछ तो अमृता ने बताया भी है बहुत कुछ एम ने भी आपको बताया है एंड राजीव ओवरऑल इज़ अ वेरी डेडिकेटेड हजबेंड ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड सन और uh, इसमें बेसिकली एक uh, अमृता अमृता इसकी एक बैकबोन है इसकी बैक है और uh, अमृता के सहारे ही ये सब कुछ करता है हिज बिजनेस हैज़ ग्रोन बिकॉज ऑफ अमृता इसकी जिंदगी में खुशी है अमृता की वजह से सो so, सब कुछ जो इसकी जिंदगी में इस समय हो रहा है वो सब कुछ अमृता की वजह से हो रहा है एंड इससे ज्यादा अगर मैं कुछ और बताऊंगा तो फिर वो uh, काफी कुछ लीक हो जाएगा एंड उसके लिए आपको बाईस अगस्त से दस बजे uh, संजोग देखना पड़ेगा टू फ्राइडे I believe our media representatives would have a couple of questions. We're giving straight 10 minutes for the next couple of questions. So, we all certain ready to take questions from the media. Media uh, se thode uh, questions. उसके पहले मैं एक और baat kehna chahti हूँ। एक बहुत ही repeated aur bahut hi कमाल की actress है जो मेरी mother-in-law play करती है, जिनका नाम है वैशाली ठाकर जी। तो यहाँ पर आ चुकी हैं। So, I would like to call her on stage. एंड टॉक अबाउट द शो थैंक यू थैंक यू काम्या वेल सब ने अपने किरदार इंट्रोड्यूस किए हैं और भी किरदार हैं आपने अभी ट्रेलर देखा तो मेरा जो किरदार है वो सरिता का है मैं इसमें गौरी जो कामया गौरी का किरदार प्ले करी है उसकी मदर इन लॉ का किरदार प्ले करी हूँ सरिता और uh, सरिता एक uh, बहुत ही कंटेम्प्ररी औरत है रोज़ का रोज़ खाओ मज़े करो लाइफ इज़ कूल चोरी करना उसका पेशा है और शी इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन विद इट उसको ज़रा भी मतलब uh, उस इस बात का बिल्कुल गिल्ट नहीं है कि वो लोग चोरी करते हैं बिकॉज़ आप लोग जैसे जर्नलिस्ट है वैसे वो चोर है इट्स दैट सिंपल तो काफ़ी सिंपल है उनकी लाइफ चोरी करते हैं खाना वाना खाते हैं सो जाते हैं अब uh, होता ये है कि भाई वो ये जो माँ बेटे हैं वो गौरी के सपनों के साथ कहीं उनकी उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है और उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं चोरों के भी होंगे जो आप देखिएगा फ्राम ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट मंडे टू फ्राइडे नाइन नाइन पी एम टेन पी एम ऑल राइट वे वी ऑल्सो गोपाल

बहुत कमाल का आदमी है मतलब डेडेबल टाइप है जो कहता है करता है मैन ऑफ लॉड ऑफ वर्ड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज इन लॉर्ड ऑफ लव विद हिज़ वाइफ हिज फैमिली हिज डॉटर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज लॉर्ड ऑफ लेयर्स बींग दैट सिंपल इन यट लाइक ही ओपन धीरे 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 सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एट लेवल वे ही फोल्ड्स and that's going to be the thing to watch for so that's how gopal is perfect rajat thank you so very much i request everyone to please stay back uh, as i was saying we have 10 minutes and in case if our media representatives have any question we are uh, uh -huh. sonia can we also have you forward थैंक यू मैम सो आई प्रे रक्षता आम अमृता इज बेस्ट फ्रेंड और शी इज स्मार्ट शी इज़ फन और उनकी दोस्ती बहुत गहरी है और बाकी रक्षता एज अज सरप्राइज़ तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी उसके बारे में सो या थैंक यू मित भाटिया फ्राम ए बी पी न्यूज एक सेकंड इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं बैठ जाऊंगा उनके जवाब से पहले बैठ मेरा uh, नाम अमित भाटिया है मैं ABP News न्यूज से प्रोमो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और लग रहा है कुछ अलग होगा और कामया बड़ी खतरनाक लग रही हैं रजनीश <laughs> uh, मेरा सवाल आपसे है कि मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आपने अब तक ज़्यादा प्ले किए हैं सो इट्स डेब्यू फॉर यू अगर डेली सोप की बात करें तो सो so, कितना डिफरेंट होता है बहुओं के बीच में काम करना और तैयारी कितनी अलग होती है क्योंकि वहाँ तो पूरा फोकस प्रभु पे रहता है बट यहाँ ऐसा हो नहीं पाता जी मैंने हाँ पहले माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल प्ले किया है मैंने डेली कभी नहीं किया है soap. Done films, doing a lot of OTT, but ये मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था एक बहुत ही बहुत ही अमेजिंग कहानी थी कहानी है संजोग की मुझे जब किरदार सुनाया गया तो आई एक्चुअली लाइक टिट बिकॉज इसकी uh, बहुत लेयर्स हैं एंड हर किरदार की एक अपनी कहानी चल रही है इवन दो मतलब दे ऑल इंटरटवाइंड एक डेली का ऑब्वियसली एक कमिटमेंट अलग होता है जो मेरे लिए भी नया है uh, एक टेकिंग अलग होती है थोड़ी एक्टिंग वही है लेकिन आपकी uh, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे uh, सेट पर सीखने को मिल रही हैं अभी एंड इट्स ग्रेट बिकॉज आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम डूइंग इट मुझे मज़ा आ रहा है करते हुए बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका uh, मतलब uh,

I'd like to call uh, Dolly Ji on stage. Uh, Dolly Ji is playing my playing my, mother uh, my mother you know, and my uh, <laughs> mother. <laughs> so I come here. So this is. Hello. Hi. Uh, okay. Hi. 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 इस शो में संजोग में जो मेरा कैरेक्टर है वो है राजीव की मदर का राजेश्वरी कोठारी और ये एक स्ट्रॉग लेडी है जो कि जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में है उसकी जो मान मर्यादा है उसे कायम रखना उसका जो रुतबा है सोसाइटी में उसको कायम रखना इनकी जो परंपराएं हैं उनको कायम रखना और uh, उसके लिए वो किसी हद तक भी लड़ सकती है सो आई थिंक दैट शुड सम अप आई डोंट वांट टू रिवील मोर एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड डेफिनेटली फॉर रश्मि मैम बिकॉज काफ़ी समय से संजोग नहीं बन रहा था लेकिन इस बारी बन गया सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो And I'm really, really hoping uh, we have a, such a great cast with us. And I'm really hoping that you know we all do, uh, you know, uh, get your blessings and everybody else's blessings, and the show does very well. So, just itne mehi, I'll it. I won't reveal anything more. So, thank you so much, everybody. So, it's such a nice uh, uh, occasion to meet you all. Yes. Uh, Yeah. so like to call Amrita on stage. Amrita is playing Ranjini, meri बहन. Yeah. and yeah, she's playing uh, my daughter. yeah, yeah. <laughs> yeah. thank you ratnesh thank you, thank you so much, thank you ztv and thank you so much Rashmi ma'am. Uh, my character's name is Rajni और मैं Radhesh की छोटी sister का character play कर रही हूँ और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ जितने भी artist हैं सब इतने positive है ना इतना मज़ा आ रहा है काम करके अभी थोड़ा टाइम हुआ पर एक्चुअली बड़ा मज़ा आ रहा है थैंक यू हो चुका है दिस इज आदि फ्रॉम देसी फीड मेरा क्वेश्चन था रजत जी से uh, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि uh, कैसा है कैरेक्टर और रियल लाइफ से कितना इंस्पायर्ड है और कितना रिलेट करते आप कैरेक्टर से अपने आ, हिंदी में ही बात कर लेते हैं <laughs> राजस्थानी चलेगा राजस्थानी भी चल जाएगा मुझे अच्छा रियल लाइफ से काफ़ी हद तक रिलेटेड है भी और नहीं भी बिकॉज रूटेड uh, है तो आई बिलोंग फ्रॉम माई फैमिली हिल्स फ्रॉम हरियाणा तो राजस्थान हरियाणा थोड़ा सिमिलर सौ किलोमीटर वाला फ़र्क तो दैट इज़ सिमिलरिटी अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा गोपाल uh, मस्ती हो रहा है मैं मेरे लाइफ में एक लेवल पे रह चुका हूँ शायद वैसा अब चीज़ें डिफरेंट तो है तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं फ्रॉम माय ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस बाकी गोपाल में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी पड़ रही है बिकॉज रजत में नहीं थी uh, मतलब उतने हद तक जाना अपने प्यार के लिए मे बी शायद बिकॉज ऑफ सोसाइटी इन एवरी रजत शायद रुक जाएगा बट गोपाल नहीं रुकेगा सो दैट्स द डिफरेंस हेलो हाय काम्या मेरा क्वेश्चन काम्या से आके भैया सो so, मुझे आपसे पूछना है कि आ, इसके पहले भी आपने जितने भी किरदार किए हैं चाहे वो रियलिटी शोज़ की भी बात करें तो वी हैव ऑलवेज सीन यू डोमिनेटिंग लाइक आप अपने आप ऊपर किसी का कमांड नहीं देखना चाहती आप चाहती हैं कि आप कमांड करें सो विच इज़ गुड सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी हाँ रियल लाइफ में तो ऐसी ही हूँ डोमिनेटिंग हूँ किरदार ऐसे मिल जाते हैं कि वो भी बन जाते हैं वैसे होते नहीं लेकिन बन जाते हैं और आ, इसके बारे में क्या बोलूँ मैं बोलूँगी शायद ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा मुझे किरदार भी ऐसे ही दे देते हैं कि जा तू जा बेटा तू डोमिनेट कर तू जी अपनी ज़िंदगी तो हाँ लेकिन ना लेयर्स होते हैं शेड्स होते हैं डोमिनेट अगर एक ही तरीके से हर शो में करते रहूँगी तो रेपिटेटिव हो जाएगा सो बहुत सारा होमवर्क होता है क्योंकि अगर आपको बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो आप उसको अपने पिछले कैरेक्टर से कितना अलग करेंगे ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है सो so, संजोग के जरिए ये एक और चैलेंज मिला है उम्मीद करती हूँ कि खरी उतरूँ हाय uh, काम्या uh, एकता ट्रिपार्टी फ्रॉम पंजाब केसरी आपकी रियल लाइफ में भी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है और आप इसमें भी एक माँ का कैरेक्टर निभा रही हैं तो कितना रिलेट कर पाई हैं आप इस कैरेक्टर से uh, गौरी और काम्या बहुत अलग है एज अ मदर बहुत ज़्यादा अलग है अपने बच्चे को प्यार करना तो हर हर माँ करती है तो मैं uh, गौरी से तो बिल्कुल एज uh, अ मदर कामिया कुछ नहीं सीखेगी लेकिन कामिया से गौरी बहुत कुछ सीख जाएगी एज अ मदर ओके हेलो हाय हाय शिफाली माय सेल्फ अर्शी फ्रॉम टेली छक्कर एंड आई वांटेड टू नो दैट व्हाट मेड यू चूज संजोग फॉर कम बैक इन टेलीविजन आफ्टर सिक्स ईयर्स आई थिंक so, मैं आपसे पूछूंगी आपने ऐसी स्टोरी पहले कभी देखी है मदर <laughs> डॉटर की स्टोरीज बहुत कम आई है मतलब मोस्टली लव स्टोरीज़ होती हैं या कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है बट एक मदर डॉटर का रिलेशन इतनी ब्रीफली इतने अच्छे से बहुत कम शोज़ में दिखाया गया है और नॉट ओनली वन मदर डॉटर इस शो में आप हर किरदार चाहे मेरा भाई हो मेरे हस्बैंड हो मेरी मदर इन लॉ हो उन सब के साथ एक अलग बॉन्ड एक अलग रिलेशन देखोगे जो रियल लाइफ में हम सब फील करते हैं तो ये एक शो था जो बहुत रियलिस्टिक लगा मुझे कि पढ़ने के बाद सुनने के बाद कि एक्चुअली हम सब रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं कि कुछ मदर्स अलग होती हैं कुछ मदर्स जो डू होती हैं जो अमीर होती है अपने बच्चों को एक अलग तरीके से पालती हैं और कुछ मदर जो गरीब होती हैं जिनके पास बच्चा नहीं पालने के पैसे होते वो एक अलग तरीके से पालती हैं तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें दोनों एंगल्स आपको दिखाने को मिल रहे हैं थैंक यू वील टेक वन लास्ट क्वेश्चन हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कामया बिलेटेड हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मेरा सवाल आप सभी से है आई एम साकेत फ्रॉम जी न्यूज़ नेशनल दिल्ली मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जो जो पिछला दौर रहा कोरोना का और जो हमारा समय बीता वो काफ़ी बुरा रहा टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी धीमी गति आई ऐसा नहीं कहूँगा मैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई पर ये कहीं ना कहीं से एक धीमी गति रही ऐसे में आपका जो शो है वो रात को दस बजे आने वाला है तो ये जो टाइम स्लॉट है ऐसे में हाउस मेकर्स अपना काम करके ख़त्म करके कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ बैठे होशन तो ऐसे में आप लोगों का कंटेंट कितना तगड़ा होगा और कितनी स्टोरी आपकी तगड़ी है वही निर्भर करेगी कि आप लोग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं तो मेरा सवाल आप सभी से है कि क्या आप इसमें सफल होंगे और ये आपका जो शो है कहीं ना कहीं हर शो सोशल इम्पैक्ट जरूर डालता है तो मुझे ये बताइए कि ये क्या सोशल कोई सोशल इशू भी कवर करेगा और आने वाले समय में ये कितना आगे तक जा सकता है आपने पूछा क्या हम सफल करेंगे हम बिल्कुल करेंगे ज़रूर करेंगे इसीलिए हम एक ऐसा शो लेकर आ रहे हैं जिसपे हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है जिससे हर इंसान अपने से रिलेट कर पाएगा तो चाहे वो दस का स्लॉट हो ग्यारह का हो या नौ का तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर शो अच्छा है तो स्लॉट कोई भी हो वो चलेगा ही चलेगा साकेत जी और वो तो कहते हैं ना तो कि एक सॉरी एक अच्छी कहानी को आ, आ, कहते हैं ना स्लॉट जैसे कि अमृता ने भी कहा कि एक अच्छी कहानी को स्लॉट ये कौन से टाइम पे आएगा किस टाइम पे आएगा ये वो इससे हम परे हो जुट चुके हैं हमें अच्छा परफॉर्म करना है एक अच्छी कहानी ऑडियंस के सामने लानी है हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं बाकी आप सबकी दुआएं हैं जो आएगी और हाँ ये सोशल मैसेज ये वो इससे भी हम थोड़े से पीछे हैं अब नहीं ये नहीं करना इन्जॉय करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए शो बना रहे हैं कुछ रिश्ते हैं जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे बस डेट्स इट आपके दिल को छूनी चाहिए कहानी ये मुद्दा है बोल रहा नहीं मैं ये कहना चाहती थी कि जब करोना की बात आई तो टेलीविज़न तो तो वाज लास्ट टू क्लोज एंड फर्स्ट टू ओपन तो उसका जो पावर है हम आ, बिल्कुल कम नहीं है और आज की तारीख में भी अगर जैसे कामया ने बताया अमृता ने बताया कि अगर कंटेंट स्टोरी अच्छी है लोगों को अच्छी लगती है तो टाइम स्लॉट का कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सुबह आठ बजे भी देखते हैं रिपीट में भी देखते हैं और देखते ही रहते हैं सालों सालों तक सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पार्ट हाँ आई एग्री विद द थिंग दैट टाइम स्लॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार दस बजे ग्यारह बजे लोगों को अच्छा चीज़ दिखाओ अच्छी चीज़ बेचो तो लोग खरीदते हैं एंड आई थिंक हमारी कहानी में काफ़ी दम है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्ट सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक द मेकर्स एंड द राइटर्स आर पुटिंग इन लॉट ऑफ पेपर्स एंड कहानी में सिर्फ किरदार नहीं है किरदारों के पीछे उनका जो बैक बैक स्टोरी है या उनको जिस तरीके से समझाया गया है या दिखाया गया है वो काफ़ी खूबसूरत है तो कहानी कहते हैं कि टेलीविजन एक पॉइंट पर आके सेम टाइप होता है बट आई थिंक इतने सारे लोग हैंट दे आर डिफरेंट एट देअर ओन लेवल्स तो वी कीप प्लेंग विद दैट सो इट्स इंटरेस्टिंग

विजेस ऑफ इंडिया से कुछ प्यारे बच्चे मौजूद हैं बचो कहनाई सी ओ हैंड कहाँ पर हो आप मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले आप हमारे साथ आगे आ जाए द फोस्टर किड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लविंगली केयड एंड नर्चर्ड बाई ओवर सिक्स हंड्रेड एस ओ एस मदर्स इंड आंट्स एज इंडियाज लार्जेस्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड केयर एन जी ओ एस ओ एस चिल्ड्रंस विलेज इंडिया डायरेक्टली टचेज द लाइफ ऑफ थर्टी थाउजेंड चिल्ड्रेन एवरी ईयर एज आई सेड वी हैव सम चिल्ड्रेन हियर विथ्स मी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर हमारे साथ आगे आ जाएं और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ कि आप सबको मज़ा आ रहा है हाँ तो जल्दी से आगे आ जाइए एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आप सभी के लिए है संजोक की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए है सो so, uh, Perfect. Along with the children, we have their guardians, their mothers also with us who've been taking care of the kids. So it's a great pleasure. Whenever we're ready, I have a round of applause for Sanjog, the characters, the wonderful cast and crew, and our children from SOH Children Village of India, and their guardians and their mothers. Shukriya, thank you so very much. Nirisad, right hand side, And we request the entire cast and crew of Sanjog if you can squeeze in a little more for a group picture. I request our media representatives, our photographers, if you want to come a little in the front and capture this moment, you're free to come forward. Whenever we guys are ready, shall we? है क्या तो आप बताइए। ये दो मदर्स की स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि एक माँ जिसके पास सब कुछ है और वो अपने बच्चे को कैसे रेस कर रही है और एक जो माँ गरीब है वो अपने बच्चे को कैसे रेस कर रही है दूसरा एक ये स्टोरी है जिसमें हम दिखाते हैं कि, कि किसी के पास सब कुछ भी है सब कुछ है फिर भी वो अकेला है और किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो कम्प्लीट है तो ये उसके ऊपर स्टोरी है सारे रिलेशन के ऊपर स्टोरी है जितनी भी उन दो माओ के जो भी उनके आसपास पास रिलेशन हैं उनके हस्बैंड्स के साथ उनके बच्चों के साथ उनके घर वालों के साथ ये कहानी उस बारे में है उस हर एक का एक एक ट्रैक चल रहा है हर एक के रिलेशन्स के साथ उन सबके इंडिविजुअल रैपोस जो हैं अपने पति पति से इनके पति के साथ मेरे साथ या बच्ची के साथ मेरी आ, मदर के साथ जो इनकी सास हो गई या बहन के साथ वो सब पैरेलली चल रहे हैं और ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जि, जिसे बेसिकली हम लोग संजोग कह रहे हैं और आ, संजोग डेफिनेटली दो ऐसी बच्चियों की कहानी है जो ऐसी मदर्स की कहानी है जो इवेंचुअली मतलब मिल भी जाते हैं लेकिन आ, कैसे मिलते हैं ऑब्वियसली इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा ऐसी स्टोरी आई है पहले ओके okay. तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो बच्चों का अदल बदल भी है वो तो मैं अभी नहीं बताऊँगी क्या है अदल बदल है या क्या है तो ये है कि जब बेबी एक पेट में होता है एक माँ के वो उसको फील कर सकती है और जब वो बच्चा बाहर भी आता है वो रिलेट कर पाती है उस बच्चे से तो ऐसा क्या है जो माँ कह रही है कि है तो मेरी पर मेरे जैसी नहीं है तो ये उस पर स्टोरी है तो Yeah, I think so, आप तो आपको पता चलेगा तो, तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं होता की शायद फादर पे हो या नहीं मतलब माँ पे नहीं है तो फादर पे तो हो ही सकती है ना रिलेट में कर पा रही हूँ इजिली बट जो चैलेंज है वो है की अभी तक मैं मदर नहीं बनी हूँ तो डीलिंग विद अ चाइल्ड एक माँ बेटी का जो रिलेशन होता है उसकी स्ट्रगल मेरी अभी चल रही है और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ उस चीज़ में सोर मेरे लिए आई एम ऑलरेडी अ फादर आई हैव अ डॉटर तो आई कैन रिलेट टू मतलब मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि कैसे एक uh, बच्ची के साथ क्या रिलेशन है कैसे उसके साथ खेलना है क्या बातें करनी है यू नो हाउ टू डू ऑल दैट बट बहुत सी ऐसी चीज़ें राजीव के अंदर जो मेरा किरदार है उसके अंदर जो रजनीश में नहीं है एंड uh, वो चीज़ें uh, उस पर काफ़ी होमवर्क भी किया गया है उस पर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए uh, कुछ स्पेशल शोज़ या कुछ स्पेशल फ़िल्में ऐसी हैं जो मैंने देखी जिसके अंदर वैसे किरदार हैं एंड uh, उनको मैंने एम्बाइव किया है अपने अंदर uh, ताकि मैं राजीव uh, अच्छे से प्ले कर पाऊँ और आप लोगों के लिए एक uh, अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन सकें

कि उस हिसाब से हमें आई डोंट थिंक कि हमें एट द मोमेंट टी की देखने की ज़रूरत है बट येस yes, हम लोग टेन ओ आ रहे हैं हम लोग ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जहाँ पर कोविड के बाद एक नया प्राइम टाइम बन गया वो तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा ही करेगा okay.

आ, संजोग है कि फिर से रश्मि शर्मा जी के साथ काम कर रही हूँ और एक फिर से एक धमाकेदार किरदार दिया उन्होंने मुझे और संजोक एक आ, ऐसा जो है रिश्तों की कहानी है दो माओं की तो कहानी है लेकिन आ, उनसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे रिश्तों की कहानी है इंटरेस्टिंग है काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं बिल्कुल आ, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टेलीविजन में कि एक आध ले लो बाकी सारे चल जाएंगे ऐसा नहीं किया है सब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं बहुत अच्छी कहानी है बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं वी होपिंग के आपको हमेशा एंटरटेन रखे इस शो के जरिए मैं मैं भी चाहती हूँ मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मैं एक्शन करूँ मेरा कैरेक्टर है ऐसा कि ये कहीं भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाएगी अपने हक के लिए लड़ेगी और यू you नो know, बगावत पे उतर आ जाएगी तो कैरेक्टर तो ऐसा है और एक्शन भी है काफ़ी उम्मीद करती हूँ कि चलता रहे और थोड़ा मैं अच्छी तरह से कर पाऊँगा एक्शन फर्स्ट टाइम है ना टेलीविज़न में एक्शन एटलीस्ट

सर so चैलेंजिंग ये है कि ये जो अटायर है इतनी ज्वेलरी देखो मैंने कभी नहीं पहनी आ, ये जो एक्शन है दैट इज़ चैलेंजिंग कि मैं कुछ एक्शन सीक्वेंस भी कर रही हूँ हाँ बाकी है कि मैं भी काफ़ी गौरी की तरह हूँ लेकिन गौरी की तरह मत कि जैसी माँ नहीं हूँ दोनों माँ ही हैं कामयाबी माँ है, गौरी भी माँ सो यस द लैंग्वेज द अटायर और yes, ये सी कैरेक्टर भी गौरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ चुपचाप खड़े के लाइन नहीं बोलेगी गौरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक लाइन में पचास मूवमेंट कर देगी सो दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं झाड़ू मारते मारते बात कर रही हूँ मैं बर्तन घसते घसते बात करती हूँ मैं मारा मारी करते करते बात कर रही हूँ मैं बस के ऊपर चढ़ रही हूँ तो मेरी जो लाइनें हैं अगर मैं कोई एक चीज़ बोलना चाहती हूँ तो उसमें मेरे बहुत सारे मूवमेंट हैं दैट इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि एक इंसान एक लाइन में कितना क्या क्या कर लेगा और कितनी बार कर लेगा सो so, मैं मेरा ये नॉन स्टॉप चलता रहता है नॉन स्टॉप चलता रहता है लैंग्वेज को लेके करेक्शन रजत इज फ्रॉम हरियाणा ये बहुत हेल्प करते हैं मेरी और कि ये ना मूवमेंट कैसे ले और कैसे एक्शंस करते रहे मैंने आज तक जितने किरदार किए एक सोफेस्टिकेटेड किरदार किया है ऐसे धाकड़ वाले भी किए हैं बट मूवमेंट करते रहना मूवमेंट नॉन स्टॉप ऑन द मूव इज वेरी वेरी चैलेंजिंग नहीं पूछ रहे जो किरदार तो तो कि अभी? अभी सेम सेम वो अपनी जगह में अपनी जगह हूँ लेकिन आप प्यार करते हैं तो वो जगहें अपने आप एक साथ हो जाती है ट्यूनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती यार तुम अपने अपने ठीक रहो वो अपने आप बन जाती है नहीं और ट्यूनिंग हमारी ऐसी बन चुकी है ना की Exactly. हजबैंड a... वाइफ है, है लविंग है बहुत प्यार है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है दोनों के सपने अलग है लेकिन हजबेंड वाइफ है हाँ, exactly और मतलब, बहुत बेहद हाँ, प्यार है लोगों को लगता है की मॉडर्न हो के एक दूसरे का साथ देना ओल्ड स्कूल शायद वैसे होंगे कि देसी से हैं लेकिन एक दूसरे को समझते हैं एंड आई थिंक किसी भी कपल के लिए वो समझना जरूरी होता है एक दूसरे को समझते हैं तो उसके बाद पर्सनैटी मैटर नहीं करती है और उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है को कैसे हम कैसे करने वाले सपने सपने सबसे ज्यादा जरूरी सपने थैंक यू वेरी मच प्लीज हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि मेरे हर शो की तरह ये शो भी सक्सेसफुल हो